बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों ने दिशा के पिता से सरकार में हाई पद और आयोग में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने का वादा करके 25 लाख रुपए ठग लिए। बरेली थाने के SHO DK शर्मा ने घटना के बाद खबरी में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जगदीश सिंह पाटनी की ओर से शुक्रवार देर शाम शिवेंद्र प्रताप सिंह, दिवाकर गर्ग, जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश प्रतिगत समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। दर्ज की गई शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में बरेली थाना में FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की कोशिश जारी है। इसी के साथ बताते चले कि यहां तक कि बरेली के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड DSP जगदीश सिंह ने शिकायत की है कि शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिसने वो पर्सनली जानते हैं और उन्होंने दिवाकर मार्ग और आचार्य जयप्रकाश से मिलवाया। आरोप यह है कि शिवेंद्र ने अपने प्रभावशाली राजनीतिक रिश्तों का हवाला देकर दिशा पाटनी के को सरकार आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या ऐसे किसी भी बड़े पद का वादा किया। उनका विश्वास जीतने के बाद ग्रुप ने उनसे करीब 25 लाख रुपए लिए और जिसमें से 5 लाख रुपए नकद थे और 20 लाख रुपए 3 अलग अलग बैंक के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। बताते चले इसी के साथ शिकायत के मुताबिक जब 3 महीने तक कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज सहित वापस करने का वादा किया। जगदीश सिंह ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आक्रामक तरीकों से पेश आए। पुलिस ने यह भी बताया है कि जगदीश सिंह ने यह भी कहा है कि ठगों ने राजनीतिक रिश्तों के बारे में झूठे दावे किए हैं और हिमांशु, यानी कि उन्होंने कहा हिमांशु नाम के एक इंसान को विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में पेश करके उन्हें धोखा दिया है। जब उन्हें बड़ा धोखाधड़ी का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इस पर भी क्या कुछ राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइफ।